हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11 का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो हम लोगों का कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत सिंपल और ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टोटली बेसिक के ऊपर है क्वेश्चन, तो थीमर के लिए ये पूछा जा सकता है। तो आखिर क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है जो हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका जो डेरिवेटिव फॉर्म का इक्वेशन है उसका डिराइवेशन एंड उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहेगा कि डिराइव द डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गिव द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है। जब मान लो हम लोग एक स्प्रिंग को या कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा फोर्स लेके इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर मैं इस तरफ खींचूँ तो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ होगा, तो स्प्रिंग का जो इलंगेशन है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो एक्सटेंशन है, इसको अगर मैं एक्स मान लूँ तो ये एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स के साथ ये एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा उतना एक्स भी ज़्यादा होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, क्योंकि डायरेक्शन जो है ये है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक्स जिस डायरेक्शन पे होगा रिस्टोरिंग फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने से हम लोग एक कॉन्स्टेंट देते हैं, यहाँ पर भी देंगे माइनस के एक्स। ठीक है, और ये जो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स है ये हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में भी देखा था कि वर्क का जो एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग, इस पर भी हम लोगों ने ये लॉ देखा था, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, देन ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स। अभी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी डिफरेंशिएट फॉर्म में माइनस के बाई एम एक्स। देन वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन मीन्स वी वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब वी बाई टी डिफरेंशिएट फॉर्म में डी वी बाई डी टी। देन वी को लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब एक्स बाई टी डिफरेंशिएट फॉर्म में डी एक्स बाई डी टी। तो ये है हम लोग का डबल डेरिवेटिव, इसको हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स। अभी इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डब्ल्यू जैसा दिखने वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो हियर ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर के बाई एम। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने रूट ओवर के बाई एम को ओमेगा एज्यूम किया है। देन इसको इस तरफ लाने से डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये है हम लोगों का डिफरेंशिएट फॉर्म किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, देन इसका सॉल्यूशन निकलना है अभी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में इस साइड पे निकलता हूं, देखते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टू डी एक्स डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो टू डी एक्स डी टी और इस जो टर्म है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मेट पे लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो रिवर्स में इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे
डी डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी प्लस टू डी एक्स बाई डी टी देन ओमेगा स्क्वायर एक्स, जीरो से मल्टीप्लाई करने से ये जीरो ही रहेगा, ठीक है। देन अभी हम लोग ये भी डी एक्स बाई डी टी, ये भी डी एक्स बाई डी टी, देन टू इसको सामने लिखते हैं डी डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, दो है इसलिए डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों मल्टीप्लीकेशन है डी एक्स बाई डी टी, डी डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी, तो इसलिए इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन फिर से इसको टू को वैसे ही रहने देते हैं, एक्स को सामने लेके आते हैं तो क्या रहेगा, टू डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, और ओमेगा को सामने लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाई डी टी को कॉमन ले लेते हैं, तो वन बाई डी टी, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहेगा, यहां पर हम लोगों का क्या रहेगा, यहां पर रहेगा वन बाई डी टी को कॉमन लेने से टू डी डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस टू ओमेगा स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अभी वन बाई डी टी से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ ये रहेगा टू डी डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस टू ओमेगा स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये तो मैंने वन बाई डी टी कॉमन लिया था, अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो इंटीग्रेट एंड डी कैंसिल हो जाता है तो रह जाएगा टू डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, डी कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं इसको सिर्फ डी एक्स डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं, टू कोई ज़रूरत नहीं है, टू को हटा देते हैं हम लोग, टू यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी देन ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जीरो का इंटीग्रल आता है कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, जीरो का इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है थोड़ा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल पेंडुलियम का मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जब डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है तब होता है एम्पलीट्यूड एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाईएस्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए। उस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी मीन्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू होता है जीरो। तो यहां पर अगर हम लोग एक्स इक्वल्स टू ए एंड डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं तब क्या आएगा, जीरो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पर ए सी, दैट इज सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर। यहां से हम लोग सी का वैल्यू भी निकाल लिया, अभी सी का वैल्यू हम लोग ऊपर वाला इक्वेशन पे पुट कर देंगे, तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। अभी डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू निकालते हैं, होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर, देन डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू स्क्वायर साइड चेंज करने से हो जाता है रूट ओवर, तो यहाँ पर आएगा रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा को बाहर लेके आने से ओमेगा स्क्वायर जो है ये ओमेगा हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अभी थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके साइड चेंज करते हैं, डी एक्स के नीचे पे हम लोग एक्स वाला टर्म मतलब रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी को उस तरफ लेके जाते हैं, देन बोथ साइड इंटीग्रेशन फिर से करते हैं, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन आता है, फॉर्मूला है हम लोगों का साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, ठीक है। डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा ओमेगा की जगह पर रहेगा, और डी टी का इंटीग्रल टी, देन साइन इनवर्स को उस साइड ले जाने से हो जाएगा साइन साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्स बाई ए, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये होता है हम लोगों का इसका सॉल्यूशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे होता है उसका इक्वेशन हम लोग एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी ऐसा फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ से ये आया है, स्टार्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स से, देन हम लोगों ने डिफरेंशिएट इक्वेशन डिराइव किया है, फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन का हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है जो आया है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों का बोर्ड के लिए, थ्री मार्क के लिए ये आएगा आएगा, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई टीबीएससी डब्ल्यूबीसीएससी कोई भी एग्जाम पे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ न्यू कुछ चाहिए या फिर इस चैप्टर से कोई भी चीज़ समझना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।